हाय गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विद अमित। आज अपन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक चार क्लास हो चुकी है, यह है पांचवी क्लास। इसके अंदर अपन महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है, ठीक है ना, तो उनके बारे में पढ़ते हैं आज। सरस्वती सम्मान से, ठीक है ना, एक पहला नंबर लिख देता है सरस्वती सम्मान। ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जैसे कि कब से स्टार्ट हुआ, तो 1991 से ये स्टार्ट हुआ था, 1991 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और ये देता कौन है, ये के फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है ना। तो 1991 से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और जो इम्पोर्टेंट है, अपन 2018 से ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि भाई 2018 के सी यू रेड्डी को मिला है, ठीक है ना। ये 28वां है, ठीक है ना। 29वां मिला है 2019 के अंदर, ये मिला है वासुदेव मोही को, ठीक है ना। और 30वां जो मिला है 2020 के अंदर, ये मिला है एस के लिंबाले को, ठीक है, शरद कुमार लिंबाले, ठीक है ना, उनको मिला 2020 के अंदर 30वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार। और इसकी जो अगर राशि पूछे ना, देखो इसके अंदर 15 लाख रुपए दिए जाते हैं पुरस्कार के तौर पर, 15 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र वगैरह, ठीक है ना, वो सब। तो देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरस्वती सम्मान पुरस्कार 1991 से स्टार्ट हुआ था, कौन देता है, के बिड़ला फाउंडेशन देते हैं, ठीक है ना। अभी अपन को खाली यही पढ़ना है 2018 से लेकर 20 तक, ठीक है ना। तो 2018 का मिला है के सी रेड्डी को, और 2019 वाला मिला वासुदेव मोही, और 2020 वाला जो मिला है वो एस के शरद कुमार लिंबाले को, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट व्यास सम्मान के बारे में। देखो व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान लगभग सेम है, वो भी 1991 को स्टार्ट हुआ था, ये भी 1991 में स्टार्ट हुआ था, वो भी के बिड़ला फाउंडेशन देता है, ये भी के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। 2018 के अंदर किसको मिला था, देखो एक तो ये याद कर लो आप, लीना एसपी, देखो ली से हो गया लीलाधर जगुड़ी, ठीक है, ना से हो गया नासिरा शर्मा, ठीक है। 2020 वाला मिला है एसपीएनएस शरद पगाड़े को, ठीक है। और 31वां जो है, जो 2021 के अंदर मिला था, ये मिला है असगर वजाहत, ठीक है ना। तो ये व्यास सम्मान इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 1991 से स्टार्ट हुआ था, के बिड़ला फाउंडेशन देता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो राशि है ना, राशि इसकी कितनी है, 4 लाख रुपया, प्रशस्ति पत्र वगैरह, ठीक है ना, जो भी है। तो के बिड़ला फाउंडेशन देता है इसको, और 2018 से लेकर 2021 तक जो भी है वो याद कर लेना, क्वेश्चन किस में से पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ये फर्स्ट लेटर याद कर लो आप, लीना एसपी, ये तो ये तीन तो ऐसे याद हो गए, लीला दास जगुड़ी, नासिरा शर्मा और एसपी ने शरद पगड़े, फिर असगर वजाहत है, ठीक है ना, 2021 के अंदर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है दूसरा, ठीक है ना, व्यास सम्मान। देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं। देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये स्टार्ट हुआ था 1965 के अंदर, ठीक है ना, ये 1965 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, तो ये याद रखना। और दूसरा कि 2018 से लेकर 2021 तक किन किन को दिया गया है, तो एक छोटी सी ट्रिक है वो याद करना, देखो आनंद याद करो, आनंद खाली ये 4 अक्षर AAND, ठीक है ना, आप ये याद करो आनंद, ठीक है। देखो A4 हो गया अमिताभ घोष, ठीक है, फिर A आ गया, तो A से अकितम
अच्युतम नंबूदरी, ठीक है, एन एन से हो गया नीलमणि, ठीक है, और डी से हो गया दामोदर, दामोदर मऊ जो ऐसा कुछ नाम है, दामोदर मऊ जो, ठीक है। और एक चीज़ और कि ये 2829 वाला नहीं है, ये सीरियल थोड़ी सी चेंज हो गई है, ठीक है ना। अब एक याद कर लो कि जो अमिताभ है ये 54 से स्टार्ट है, 54, ठीक है ना, 54, उसके बाद में 54 के बाद में 55, 56 और 57, ठीक है ना। तो 54 से लेकर 57 तो याद हो जाएंगे, 2018 से लेकर 2021 तक, ठीक है ना। और इसमें राशि कितनी देते हैं, 11 लाख रुपया, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट देखते अपन, ये है मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है ना। तो 2018 से लेकर 2021 तक जो भी इम्पोर्टेंट वो देख लेते हैं। देखो 2018 से अब ऐसे याद कर सकते हो इसको, एम फिर दो है डी डी, ठीक है। देखो ए से होता है ए फॉर अन्नाबंस, अन्नाबंस हो गया, ठीक है ना। और 2019 का जो एम है, एम फॉर मार्गरेट, मार्गरेट, ठीक है। डी फॉर है डगलस, और डेवन, ठीक है। देखो मार्गरेट के साथ में एक और है, इनका नाम है बर्नर, बर्नर डाइन ऐसे कुछ नाम है, बर्नर। अब ये जो फर्स्ट वर्ड है ना वो याद कर लो बहुत है, ठीक है ना, स्टुअर्ट आउट गलगुट, ठीक है ना। तो ये 2018 से लेकर 2021 तक आप खाली ये जो फर्स्ट वर्ड है ना ये याद कर लो बहुत है, ठीक है ना, ए एम डी डी, ठीक है ना, याद हो जाएगा। मैन बुकर पुरस्कार इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये 2021 वाला है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये याद करो, डेमन गलगुट है, ठीक है ना, डायरेक्ट नाम है, शॉर्ट में याद करो तो डीजी याद कर लो आप, डेमन गलगुट, ठीक है। कि भाई 2021 का जो मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला था, तो शॉर्ट में डीजी याद कर लो, ठीक है ना, डेमन गलगुट। देखो नेक्स्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, ठीक है ना। अपन 2019 से पढ़ते हैं, 19, 20, 21, 23, ठीक है ना। इसको कैसे याद करोगे, देखो जो मारी के, जो मारी के डैडी, ठीक है ना, याद कर लो आप, जो मारी के डैडी। देखो जो से क्या हो गया, जोखा, जोखा अल हार्थी, ये है डे फॉर डेविड, और डी फॉर डेविड डीओप, ठीक है ना, जोखा अलर्ट थी, ठीक है ना, तीनों हो गए। 2019 के अंदर जोखा अलर्ट थी, 2020 का है मारिके लुकास, लुकास, ठीक है ना, 2021 का हो गया डेविड डीओप, ठीक है ना। शॉर्ट में याद करो, जो मारिके डेडी, जो मारी के डैडी, ठीक है ना, ये इंटरनेशनल याद हो जाएगा, ठीक है। देखो आज अपने सरस्वती सम्मान पढ़ लिया, ठीक है, व्यास सम्मान हो गया, फिर ज्ञानपीठ हो गया, फिर मैन बुकर हो गया, फिर इंटरनेशनल बुकर हो गया, ठीक है ना। आज अपने 5 जो मैन इंपॉर्टेंट पुरस्कार वो पढ़ लिए, अब इतना बहुत है, बाकी के नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये बने रहिए, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कीजिए। ओके, थैंक यू।